गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 8 में प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न, कुछ प्रश्न आप इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, जिसमें हमें एक पदी की एक पदी से गुणा करनी है। अभी हमने पिछली प्रश्नावली के अंदर जो व्यंजक है इनकी जोड़ देखी थी कि समान पद वाले व्यंजक जुड़ते हैं, समान पद वाले ही घटते हैं, और उसके अंदर एक चीज का ध्यान रखा था कि समान पद में जो चर है वो समान ही रहता है, सिर्फ उसकी गुणांकों की जोड़ या घटा होती है। लेकिन गुणा की स्थिति में हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हम एक पदी की एक पदी से गुणा करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर एक दो और तीन को आज इस वीडियो के माध्यम से, पहले प्रश्न का पहला भाग इसी के द्वारा हम समझते रहेंगे कि गुणा हमें किस प्रकार करनी है। जैसे पहले प्रश्न के अंदर 4 × 7 पे पहले तो हमें गुणांकों की गुणांक के साथ गुणा करनी है। ध्यान से देखिए, इसमें 4 है, 7 है, 7 × 28 और चर पी है तो पी आ जाएगा। अब जोड़ के निशान है दोनों तो जोड़। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो चिन्ह है उनकी भी गुणा आपस में होनी है, तो वो नियम भी आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे। और सिंपल सी बात है, सिर्फ एक ही नियम ध्यान में रख लें कि हम जो गुणा वाली संख्याएं हैं उनमें ये देख लें कि घटा के निशान कितने हैं। यदि एक निशान घटा का है तो उत्तर घटा में आएगा, और यदि दो निशान घटा के हैं तो जोड़ का आएगा, 3 है घटा के तो फिर घटा में आएगा। अर्थात नेगेटिव यदि सम संख्या में है तो जोड़ बनेगा, विषम संख्या में है तो उनकी गुणा नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखो 7 × 28 7 × 28 हमारे पास आ गया। अब एक पी यहाँ है, एक पी यहाँ है, पी दो बार आ गई, यहाँ अकेला पी था तो पी लिख दिया, पी दो बार है तो पी की शक्ति 2, ये शक्ति चला जाएगा ऊपर, घात बन जाएगी इसकी। ठीक है, जितनी बार भी जो चर है वो रिपीट होगा इसमें। अब इसमें देखें निशान कितने हैं नेगेटिव के, 1 है तो नेगेटिव में इसका उत्तर -28 पी की शक्ति 2 आएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अब यही 7 × 28 पी देखो कितने हैं, 2 है तो पी की शक्ति 2, क्यू 1 है तो क्यू अकेला रह जाएगा, और पूरे उसमें निशान -1 है तो नेगेटिव का ही उत्तर आएगा ये। अब इनकी गुणा देख लेते हैं, 4 × 3 4 पी कितना आ गया 12 है। अब पी की शक्ति 3 है तो पी की शक्ति 3 ही रहेगा, क्यू अकेला है तो क्यू अकेला ही रहेगा। ठीक है, निशान कितने हैं नेगेटिव के, 1 है तो नेगेटिव में आएगा, यदि 2 नेगेटिव निशान होते तो क्या होता प्लस में आ जाता। ठीक है, 4p × 0 0 एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या को इससे गुणा करें तो ये अपने आप में उसको समा लेता है, समाहित कर लेता है, अर्थात उसका भी मान क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा, और नेगेटिव 0 और पॉजिटिव 0 समान ही होते हैं, तो 0 हमारे पास है, 4p × 0 0। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में आयत का क्षेत्रफल निकालना है, और आयत का क्षेत्रफल हमें पता है कि आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई यदि हम कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल आ जाता है। अब लंबाई गुणा चौड़ाई इन्होंने ब्रैकेट के अंदर देखा है, पहली लंबाई है दूसरी चौड़ाई, जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सीधी सी बात है कि गुणा करनी है पी गुणा क्यू, और पी को क्यू से गुणा करेंगे, 1 पी है और 1 क्यू है, पी क्यू आ गया। यहां पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो किस किस की है, लंबाई है 10n, चौड़ाई है 5n, तो पहले तो संख्याओं की गुणा, 10 × 5 = 50 और 1m है, 1n है, सिंपल उसी प्रकार। अब इसका क्षेत्रफल देखिए, लंबाई कितनी है 20 x की शक्ति 2, चौड़ाई कितनी है 5 y की शक्ति 2, पहले तो गुणा करें 20 × 5 = 100, अब x कितना है इसकी भी शक्ति 2 है, y की भी शक्ति 2 जो है वो लिख देना है। यहां पर भी देखें इसका क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास 4x है और गुणा 3x की शक्ति 2, अब यह आ गया 4 × 3 = 12 है। अब x देखें, x की शक्ति यहां पे 2 है, यहां x 1 है, अर्थात यहां x 2 है यहां x 1 है, तो x कितने हो गए 3 हो गए, x की शक्ति 3 हो सकती है, जुड़ जाएगी गुणा में। अब यहां पे यदि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यहां पे क्या आ गया 4 npn। अब पहले तो गुणा करें, 4 × 3 = 12 है, n कितने हैं 1, n देखो 1n ये रहा 1n ये रहा, तो n की शक्ति 2 और p भी एक ही है हमारे पास, तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास 12m n की शक्ति 2p आ गया है। ठीक है, तो यहां पे ये बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं एक पदी के एक पदी से गुणा। और इसी गुणा को थोड़ा सा और विस्तारित रूप से दे दिया गया है प्रश्न नंबर 3 में, इसमें तालिका दे रखी है और तालिका में इनकी गुणा हमें
इनके दिए गए स्थानों पर लिखनी है। देखे कैसे लिखेंगे, किसी भी एक जो बॉक्स दे रखा है, जो डब्बा दे रखा है, उसको हम चिन्हित कर लेते हैं। अगर आप शुरू से करना चाहें तो शुरू से कर लें। जैसे इस डब्बे के अंदर किस किसकी गुणा होगी, ऊपर वाली संख्या की और साइड वाली, इन दोनों की। जब इन दोनों की गुणा होगी तो दो दूनी चार और एक्स और एक्स, एक्स की शक्ति दो। अब अगले में चलेंगे, इसमें इसमें किसकी गुणा होनी है, ऊपर वाली की और साइड वाली की। मतलब यहां तो एक पद ये है और यहां एक पद ऊपर वाले हैं, ठीक है। तो ये दिखाना बनेगा, तो ऊपर घटा का पांच वाई है, इधर दो एक्स है, तो पांच दूनी यहां पे दस, एक एक्स है और एक ही वाई है, और दोनों में कितने घटा है, एक घटा है, तो नेगेटिव का हमारे पास आ जाएगा। यहां पे गुणा करें अभी की, तीन दूनी छह, एक्स और एक्स की दो, एक्स की शक्ति तीन हो गया, तीन में ना। फिर इस खाने में यहां पे ये है और यहां पे ये, इनकी गुणा करो, चार दूनी आठ हमारे पास आ गया, एक एक्स ही है, एक एक्स ही है, एक्स की शक्ति दो और वाई अकेला है और दोनों में एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमारे पास आ गया। उसी प्रकार उसको हल कर लेंगे आगे। जब इसको देख लेंगे, दूसरे वाले में देखें, पांच दूनी दस और एक एक्स है, एक वाई है और दोनों में एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ गया हमारे पास, नेगेटिव दस एक्स वाई। जब इनकी गुणा करें, पंजो पंजो पच्चीस, वाई और वाई, वाई की शक्ति दो हो गया, यहां भी घटा है, यहां भी घटा, दोनों घटा है, तो जोड़ का पच्चीस वाई की शक्ति दो आ गया हमारे पास, ठीक है। यदि हम इस खाने को देख लें, इस डब्बे को देख लें, क्योंकि बाकी तो आपको खुद कर सकते हैं, मैं यहां सिर्फ बता रहा हूं कि इस प्रकार करना है। अब इस डब्बे में किस किसकी गुणा आएगी, सबसे ऊपर घटा का चार एक्स वाई और इधर घटा का नौ एक्स की दो वाई की दो। सबसे पहले तो नौ की चार के साथ, नौ चौके छत्तीस, x यहां दो है, यहां एक है, तो x कितने हो गए, x की शक्ति तीन, y यहां दो है और यहां एक है, तो y की शक्ति कितना हो गया, तीन। अब यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, दो घटा हो गए, तो ये किसका आ जाएगा, जोड़ का आ जाएगा, ठीक है। और यदि मैं लू इस खाने को, इस एक डब्बे को, तो इसमें ऊपर देखें सात एक्स की दो वाई है, इधर देखें घटा का चार एक्स वाई है। यदि इनकी गुणा करनी हो तो पहले तो संख्या की संख्या के साथ, चार सते अट्ठाईस, अब x एक यहां है, x की दो यहां है, तो x कितना हो गया, तीन हो गया। y एक यहां है, y एक यहां है, तो y कितना हो गया, y की शक्ति दो हो गया। अब यहां नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अर्थात एक ही नेगेटिव है, तो उत्तर ये किसमें आएगा, घटा में आएगा, तो घटा का निशान यहां लगा देना है। इस एकपदी गुणा के अंदर सिर्फ यही ध्यान रखना है, एक तो निशान का ध्यान रखना है कि एक नेगेटिव है तो नेगेटिव में आएगा, दो है तो पॉजिटिव, तीन है तो फिर नेगेटिव, ठीक है। दूसरा, गुणांक की गुणांक के साथ गुणा करनी है, संख्या की संख्या के साथ, और चर जितने हैं, एक्स जैसे यहां पे एक था वहां दो थे, तो दोनों की घात जुड़ गई, एक्स की शक्ति कितना हो गया, तीन, और वाई यहां एक था, एक रे कितना हो गया, वाई की शक्ति दो, इनका ध्यान रखना है। तो आशा है कि ये तीनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये आप अब आसानी से कर सकते हैं, नहीं फिर भी आपसे हो तो एक बार फिर जो वीडियो के शुरू में नंबर दिया गया आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इसी वीडियो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।